लेबनान में जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि इजराइल ने बालबेक में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। जानकारी मिल पा रही है कि हवाई हमला बालबेक के हथियारों के गोदाम पर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में हथियारों का गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल ने यह हमला जोरस नाम के गाँव में किया है। ये गाँव बालबेक शहर के दक्षिण पश्चिम में है। और इस बीच ईरान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी को ईरान के स्टेट टीवी पर कई दिनों के बाद देखा गया है। जनरल कानी को उस वक्त स्टेट टीवी पर देखा गया जब वो तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम में मौजूद थे। काले रंग की बॉम्बर जैकेट में वो आंसू पोंछते हुए भी नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल अब्बास निलफोरशान के शव को जब वापस लाया जा रहा था उसी दौरान वहां जनरल इस्माइल कानी भी मौजूद थे। अब्बास निलफोरशान की मौत उस वक्त हुई थी जब हिजबुल्ला के सुप्रीम कमांडर को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया था और इसी हवाई हमले के बाद से जनरल कानी भी गायब थे और उनको लेकर भी तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। खबर ये भी सामने आई कि जनरल कानी इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उनसे तेहरान में पूछताछ भी की गई थी। अब ये बड़ी खबर आई सामने जब वो कई दिनों बाद टीवी पर दिखाई दिए हैं और अब आपको लेकर चलते हैं इजराइल।